हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, फाइनली आपका फिजिकल का डेट आ चुका है ऑल ट्रेड के लिए, चाहे वो सिपाही फार्मा हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, आरटीजीएससी हो, ऑटो कार्टोग्राफर हो, या फिर आपने वुमेन मिलिट्री पुलिस दिया है। तो पहले हम जोन वाइज बात करेंगे आपके ईयर वाइज, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं आपके 2024 में किस किस का डेट आया है। तो फिजिकल के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, बी पॉजिटिव आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो उसमें फिजिकल अपना क्या बोलते हैं मेहनत करके रेडी कर लो, ठीक है। तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। तो पहले देखेंगे हम यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर आरटीजी शिलोंग का आया है, आईआरओ दिल्ली कैंट के अंदर। तो यहाँ पर राजीव गांधी स्टेडियम भावना दिल्ली में होगा और ये 20-30 जुलाई होगा और ये ऑल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का होगा, ओके। उसके बाद आईआरओ राजीव गांधी स्टेडियम भावना दिल्ली 20-30 जुलाई, दिल्ली एनसीआर लाइक गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवट और पलवाब हरियाणा, तो इस डिस्ट्रिक्ट में आपका हो जाएगा। तो क्लियर है दिल्ली वालों का। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर एक रह गया था, यहाँ पर जीडीआर ग्रोम इंडियन डोमिशली गोरखास आईडीजी राली, यहाँ पर जीडीआर ग्रोम जो दार्जिलिंग है वो 21 से लेकर 25 नवंबर 2023 का डेट रखा गया है और ये कल्पीपोंग और दार्जिलिंग के लिए। उसके बाद सेंट्रल नेपाल भूटान और बुटवाल और ईस्टर्न नेपाल धरवान के लिए ये फाइनल एज अभी नहीं किया गया, इसके बाद आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन जो है वो देख लेते हैं, शिलोंग का है। यहाँ पर आसाम वाले जितने भी है वो देख सकते हैं अपना शिलोंग में सिलचर और वो क्या है वेन्यू का है मासिमपुर में है, मासिमपुर में है। यहाँ पर शेड्यूल देख सकते हैं 6-10 जुलाई, और इसका मैं एडमिट कार्ड का आपको बता दूँ 30 दिन प्रायर से मिलेगा, जिस डेट का आपका फिजिकल है उससे 30 दिन से पहले मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट कर लेना, हम बात कर लेंगे उनसे, और उसमें आपको आ जाएगा कि कितने बजे रिपोर्ट करना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं जाना है, और डॉक्यूमेंट्स का वीडियो आपको मिल गया होगा, डॉक्यूमेंट्स का वीडियो देख लेना, वहाँ पर क्या है वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, कोई लूज़ नहीं करना डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। यहाँ पर बता दिया आपको हॉस्ट है सिलचर आर ओ शिलोंग का, देख सकते हो जोरहाट नारंगी शिलोंग, ठीक है। हमारे जो भी स्टूडेंट है काफ़ी इसमें नहीं है, सिलचर वगैरह साइड से नहीं है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट अगर आप इसके अंदर आप ये करते हो आते हो तो आप लेके ये देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये है पुणे के लिए। पुणे के लिए देखिए नागपुर में वेन्यू रखा गया है 10-17 जून 2023 में, और ये डिस्ट्रिक्ट कवर होगा आपका नागपुर, उसके बाद वाद्रा, वासिम, अमरावती, बंडरा, गोंडला, घाटोगुच्ची, कौन सा है चंद्रपुर, अकोला और यवतमाल, ठीक है। ये है नागपुर एआरओ का। उसके बाद औरंगाबाद एआर का 25 जून से लेके 2 जुलाई, ठीक है। लगभग स्टार्टिंग वही बोला था उसने, मैंने भी बोला था कितनी बार मिड जून, ये देखो मिड जून ही है, 10 से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। 5 से है किसी में 10 से है, वही मिड जून ही है, जून बोला था मैंने। उसके बाद ये चीज़ देख सकते हो, देखो आपका एआरओ देख सकते हो अहमदाबाद का हिम्मत नगर में वेन्यू आपका होने वाला है, जिसमें अहमदाबाद, आनंद, अरवेली, ये सारे चीज़ का जो डिस्ट्रिक्ट का आपका कवर रहेंगे। इन इन जो डिस्ट्रिक्ट करते हैं वो आपका डेट चेक कर लेना। मुंबई में जो होगा यूनिवर्सिटी ग्राउंड ऑफ कलीना पे होगा 1-7 नवंबर 2023, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑल डिस्ट्रिक्ट जो आरटीजीएससी और सर्वे ऑटोग्राफर के लिए मुंबई का, वुमेन मिलिट्री पुलिस का अहमदाबाद नगर में होगा, ठीक है। ये होगा 20 नवंबर-2 दिसंबर में, ठीक है। तो इसका ध्यान रख लेना, जो भी मेरे फीमेल एस्पिरेंट है जिन्होंने भी दिया है, कौन सी आपका आईआरओ है हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग में पुणे से जो भी है, ठीक है। कोल्हापुर से देख सकते हैं, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, ये गोवा स्टेट में 5-15 जनवरी 2024 को, बाप रे इतना लेट। और आपका जो एनए और सिपाही फार्मा के भी डेट आ चुका है कोल्हापुर में 5-15 जनवरी 2024 में आपका होगा ये। उसके बाद चलते हैं लखनऊ में, अल्मोड़ा इसका हॉस्ट आईआरओ है, वेन्यू रानी कहते हैं, शेड्यूल 20-29 जून 2023, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये बागेश्वर धाम सुना है कहीं मैंने, पता नहीं क्या होता है। उसके बाद अल्मोड़ा रानीखेत, यहाँ पर देखिए ऑल डिस्ट्रिक्ट अब एनए और एनए के लिए भट्टीनारी के लिए 1-7 जुलाई आपका होने वाला है, सिपाही फार्मा के लिए आपको 9-11 जुलाई होने वाला है रानीखेत में, बरेली। उसके बाद ये देख सकते हो जो आपका होगा वो फतेहगढ़ में होगा जो 20 जुलाई-1 अगस्त 2023 में होगा, और यहाँ पर ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपका कवर है। उसके बाद लेके मेरठ का देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पीडीएफ एक बार मैं टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में शेयर कर दूंगा, वो लेके देख लेना।
आगरा में देख सकते हो, यहाँ पर आगरा में कब होगा आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उसी हिसाब से आप देख सकते हो आपका वेन्यू कब होगा, मुझे कमेंट करते जाना आपको मिल गया करके। गोरखपुर, ओके, वाराणसी गोरखपुर में हमारे बहुत खास दोस्त हैं, यहाँ पर देखते हैं दो से लेकर 12 जनवरी 2024 में होने वाला है, जहाँ पर ये जैनपुर, सोनाभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, संत रविदास नगर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। और गोरखपुर में आरटीजीएस सर्वे ऑटो कार्टोग्राफर का होने वाला है 14-16-2024, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कोलकाता के हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, संबलपुर में होने वाला है एयर स्ट्रिप संबलपुर, अच्छा अभी नया है इसको बना दिया, चलो अच्छी बात है। शेड्यूल 16-18 जून 2023, इसमें अनुगुल, बरागढ़, बलांगीर, ढेंकानाल, देवगढ़, झारसुगुड़ा, केंदुझर, संबलपुर और सुबनपुर एंड सुंदरगढ़ रहेगा। गोपालपुर, यहाँ पर एडी सेंटर है, आपको पता होना चाहिए, यह संबलपुर एयर स्ट्रिप में हो रहा है, ये 20-23 जून में हो रहा है। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट आपका पता है, गंजम, गजपति, बौद्ध, कलाहंडी, कंडमाल, नारंगपुर, रायगढ़, नौपड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी एंड ये सारे चीज़ रहेगा। उसके बाद बारकपुर कटक एयर में आ जाएगा, आपके बालेश्वर में वेन्यू रखा है 21-25 नवंबर, अगर हो सकता है मैं आपको यहाँ मिल जाऊँ, अगर छुट्टी में रहूँगा तो पक्का मिलूँगा यहाँ पर 21-25 नवंबर में। और उसके बाद कटक, भद्रक, जगत सिंहपुर, जाजपुर, केंद्रापड़ा, मयूरभंज, नयागढ़, खोर्धा, बालेश्वर एंड पूरी इसमें रहेगा, ठीक है। तो कोलकाता में देख सकते हो वुमेन मिलिट्री पुलिस का आपका आरओ हेडक्वार्टर कोलकाता, कोलघाट लास्ट पॉइंट देखना 11 नंबर वाला, 12 फरवरी 2024, बाप रे, ऑल लिस्टेड ऑफ जोन वुमेन मिलिट्री पुलिस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जलंधर एयरो का, कल एक सिपाही फार्मा से बात हो रहा था तो उनकी तो डेट आ चुका है सिपाही फार्मा के, यहाँ पर इन्हें देख लो, हाँ सिकलाई फुटबॉल ग्राउंड, अच्छा इधर हो रहा है, ठीक है जानता हूँ मैं इसको, तो 21-22 फरवरी 2024 ऑल डिस्ट्रिक्ट एनए और सिपाही फार्मा का। उसके बाद ऑल डिस्ट्रिक्ट आरटीजीसी और सर्वे ऑटोग्राफर का कब होने वाला है, यहाँ पर 23-24 फरवरी, ठीक है। उसके बाद आरओ हेडक्वार्टर जलंधर में सिकलाई फुटबॉल ग्राउंड 24-29 फरवरी, ये वुमेन मिलिट्री पुलिस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ग्राउंड है ना, वुमेन मिलिट्री पुलिस वाला ग्राउंड, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, ठीक है, इसमें दौड़ने के लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, रोड के किनारे में है, चलिए। और उसके बाद पटियाला फिरोजपुर का देख लेते हैं, कैप्टन सुंदर सिंह स्टेडियम 4 जुलाई से 15 जुलाई, फिरोजपुर, भटिंडा, फरीदकोट, जलका और श्री मुख्तार साहिब का जो भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के वो आ जाएंगे। जयपुर में देख सकते हैं, जोधपुर में, आजमीर में ये हो रहा है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कवर है सिरोर, बाड़मेर, जलोरा, जैसलमेर, जोधपुर और नागपुर। कोटा में वेन्यू देख सकते हैं, 1 से लेकर 7 जुलाई रखा गया है और कोटा में सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है आपके। वुमेन मिलिट्री पुलिस का देख लेते हैं, जयपुर में रखा गया 13-17 जनवरी, ठीक है। और यहाँ पर ऑल डिस्ट्रिक्ट जोन वुमेन मिलिट्री पुलिस, दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ वुमेन मिलिट्री पुलिस का डेट हम रिलीज़ करेंगे, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एनए और सिपाही फार्मा की डेट हम एयर वाइज बता देंगे आपको, ताकि आपको इजी हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, हनुमानगढ़, झुंझुन, बीकानेर, ठीक है, ये सब है आपका जयपुर का, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जबलपुर का, ये देखिए आरओ हेडक्वार्टर जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, भोपाल, महो, रायपुर, जबलपुर, यहाँ पर देखते हैं एनए और सिपाही फार्मा के कब रखा है इसने, लाल परेड ग्राउंड भोपाल 9-10 सितंबर 2023, यहाँ पर रखा है देखिए। और वुमेन मिलिट्री पुलिस का जबलपुर में 12 फरवरी 2024, वुमेन मिलिट्री पुलिस को 24 को कर दिया बोला तो मायना बाद में 25 को आना, ठीक है। और ये हेडक्वार्टर आरओएच में जो वेन्यू रखा है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी स्टेडियम एयरपोर्ट रोड 22-26 जुलाई, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपका कवर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दानापुर का आ गया, दानापुर का देख सकते हो, मुजफ्फरनगर, रांची, गया, दानापुर, ये सारे चीज़ आपका वेन्यू आ गया। यहाँ पर एनए और सिपाही फार्मा देखे तो खटिया डिस्ट्रिक्ट में रखा है 29 जनवरी से 2 फरवरी, ऑल डिस्ट्रिक्ट एनए और सिपाही फार्मा खटिया में। और वुमेन मिलिट्री पुलिस का दानापुर में 23-24 नवंबर 2023 में, ठीक है, आरटीजीसी और सर्वे ऑटो कार्टोग्राफर देख सकते हैं। और बाकी जो भी है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर आपका है, ये भी दानापुर एयरो का हो गया। उसके बाद चेन्नई एयरो का है, ये चेन्नई एयरो का आप देख सकते हो, सिपाही फार्मा का इन्होंने 24 को रख दिया सीधा, यहाँ पर आरटीजीसी का भी 24 को रखा है, वुमेन मिलिट्री पुलिस कब रखा है इन्होंने देखते हैं, इनका वुमेन मिलिट्री पुलिस है 13, ये भी 2024 को रखा है इन लोगों ने, पता नहीं इतना लेट क्यों इस बार। और यहाँ पर देखिए त्रिची का जो परम्बुला वेन्यू में होगा, यहाँ पर 1-5 जुलाई में
और ये सारे आपका डिस्ट्रिक्ट कवर है इसमें, ठीक है। चलो चेन्नई एयरो का है, चेन्नई वाले देख सकते हो। यहाँ पर बैंगलोरो, पिछले वीडियो में बताया था बैंगलोरो का, बैंगलोरो भी लेके देख लेना अपना अपना कब है। और वुमेन मिलिट्री पुलिस का है आपका 19-21 दिसंबर 2023। और ये देख सकते हैं आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जोन एन ए वर्टिनरी सिपाही फार्मा का, ये भी 23 लास्ट में ही रखा है। और जो जी डी टेक्निकल वालों का, ये तो पहले है। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में कालीकोर हॉस्ट में होगा, स्टार्टिंग होगा आपका 16-21 जोन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर अम्बाला का, और ये लास्ट है अम्बाला का, पालमपुर में रहेगा आपका धर्मशाला स्पोर्ट्स में, 16-25 जून का आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये ख़त्म हो जाएगा आपका रैली यहाँ पर 20-30 जनवरी 2024, यहाँ पर ख़त्म होगा। वुमेन मिलिट्री पुलिस का आपका रखा है 1-12 नवंबर, और एन ए और सिपाही फार्मा के लिए 17-30 जुलाई, ठीक है, राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक। तो ये सारी चीज़ें और सारे कवर करूँगा तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो आप इसको पीडीएफ में आर्मी सर ऑफिशियल में डाल रहा हूँ, जाके देख लेना, अपना डेट फाइनलाइज कर लेना और उसी हिसाब से फिजिकल का प्रिपरेशन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।